जो समाचार नहीं है वो फीचर है। ऐसा कह देने से फीचर की परिभाषा तय नहीं हो सकती। आखिर फीचर क्या है? दरअसल फीचर एक पत्रकार द्वारा लिखी गई वो रचना है जिसके जरिए वो अपने अनुभव, पाठकों की भावनाओं एवं संवेदनाओं तक लालित्यपूर्ण शैली में पहुंचाता है। इसे समय समय पर अलग अलग पत्रकारों ने अपने ढंग से परिभाषित किया है। अमेरिकी पत्रकार रॉबर्ट रिचर्ड्स के अनुसार फीचर में मानवीय संवेदनाओं का स्पर्श होता है। भारतीय पत्रकार पीडी टंडन कहते हैं कि रोचक ढंग से लिखे गए लेख का नाम ही फीचर है। इसमें समसामयिकता रहती है। इसे गद्य गीत की तरह लिखा जाना चाहिए। विदेशी पत्रकार जेम्स लेविस कहते हैं कि फीचर समाचारों को नया आयाम देते हैं। उनका परीक्षण विश्लेषण करते हैं और सोच विचार की एक नई दिशा देते हैं। पहले हम समाचार और फीचर के अंतर को जानना चाहेंगे। समाचार तथ्यात्मक होता है, उसमें घटना, स्थान, व्यक्ति, कारण और प्रभाव की सूचनात्मक जानकारी होती है। संवाददाता द्वारा किसी प्रकार की टिप्पणी अथवा व्यक्तिगत राय शामिल नहीं होती है। समाचार का आकार प्रकार भी घटना के स्वरूप पर तय होता है। फीचर में तथ्यों को विस्तार देकर उनका विश्लेषण करना आवश्यक माना जाता है। लेखक अपनी भाषा एवं शैली का प्रयोग करते हुए स्वयं की राय भी प्रकट कर सकता है। इसी तरह फीचर और कहानी में भी अंतर होता है। कहानी का ताना बाना काल्पनिक रहता है। उसे भाषा की रोचकता के साथ कुछ इस तरह से लिखा जाता है कि पाठक को पढ़ते समय जिज्ञासा बनी रहे और कहानी के किरदार तथा घटनाएं उसे अपनी आसपास की महसूस हों। फीचर हमेशा घटना या व्यक्ति या स्थान प्रधान होता है। उसे तथ्यों के इर्द गिर्द ही रहना चाहिए, वरना वो अपना स्वरूप खो सकता है। लेकिन फीचर को हम निबंध भी नहीं कह सकते, उसे लेख भी नहीं कहा जा सकता। निबंध प्रायः गंभीर चिंतन वाले होते हैं, उनकी भाषा जरा दुरूह होती है। निबंध में विषय प्रतिपादन के लिए पर्याप्त ज्ञान एवं अनुभव जरूरी होता है। लेख सूचनाओं के संकलन से भी लिखे जाते हैं। लेख लंबे या छोटे भी होते हैं, उनकी पठनीयता लेखन शैली पर निर्भर रहती है। जबकि फीचर लेखन के लिए आंख, कान, अनुभूति और अन्वेषण की मदद लेनी होती है। फीचर यदि नीरस है तो उसका लिखा जाना निरर्थक हो जाता है। फीचर लेखन को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। फीचर का आरंभ कैसा हो, उसका विस्तारित स्वरूप क्या और कैसे हो, और अंत में उपसंहार के जरिए फीचर की समाप्ति। फीचर का आरंभ या इंट्रो, विस्तार मेन बॉडी और उपसंहार द एंड। फीचर लिखने के पहले या आखिर में उसका शीर्षक तय किया जा सकता है। वह आकर्षक हो, उसे पढ़ते ही पाठक को मन में पूरा फीचर पढ़ने की जिज्ञासा जागना चाहिए। जैसे मंदिर का कलश उसकी भव्यता दर्शाता है, कुछ कुछ वैसी ही बात शीर्षक में प्रकट होना चाहिए। फीचर का आरंभ इतने दिलचस्प एवं आकर्षक अंदाज में हो कि पाठक अपने सारे काम स्थगित कर उसे पढ़ने बैठ जाए और पूरा पढ़कर फिर दूसरे काम करे। इस आरंभ को फीचर की ऑक्सीजन माना जा सकता है। इसे इंट्रो, आमुख, प्रस्तावना अथवा भूमिका नाम से भी जाना जाता है। आरंभ के एक पैराग्राफ में लेखक की कल्पनाशीलता और उसकी भाषा के लालित्य का परिचय रहता है। फीचर का विस्तार उसका मुख्य अंग है। इसमें व्यक्ति, घटना या स्थान को तथ्यात्मक तरीके से पेश कर उसका विश्लेषण पाठक की अपेक्षा के अनुसार विकसित होना चाहिए। कथा का विस्तार ही फीचर का कलेवर है। इस अंश में लेखक अपने अनुभव, उद्धरण, साक्षात्कार एवं संदर्भ का सहारा लेकर निजी टिप्पणी भी कर सकता है। फीचर का अंतिम भाग उपसंहार है। इसमें लेखक अपने विश्लेषण से निकले निष्कर्ष को दिलचस्प तरीके से प्रस्तुत करता है, पक्ष या विपक्ष में स्पष्ट राय भी देता है अथवा पाठकों पर निर्णय छोड़ देता है कि वे जैसा चाहें
अपना अभिमत बना सकते हैं। फीचर में भावनाओं का स्पर्श रहना चाहिए। यही भावनाएं पाठक को संतुष्टि देकर उसकी मानसिक भूख शांत करती है। फीचर में जिन तथ्यों का उल्लेख किया गया हो उनकी प्रामाणिकता जरूरी है। तमाम संदर्भों के स्रोत विश्वसनीय होना चाहिए। भाषा में प्रवाह हो, वाक्य छोटे हों और शब्दावली सरल रहनी चाहिए। शीर्षक ऐसा हो जो पाठक का ध्यान आकर्षित कर पढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। उपसंहार से पाठक को प्रतीत हो कि उसे चिंतन मनन विश्लेषण का नया दृष्टिकोण मिला है। हरि अनंत हरि कथा अनंता की तर्ज पर फीचर के अनेक प्रकार होते हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाले विविध फीचर्स को देखने के बाद उनके मुख्य प्रकारों पर विचार किया जा सकता है। फीचर वैज्ञानिक, अनुसंधान, अंतरिक्ष, घटना, व्यक्ति, स्थान, पदार्थ, प्राणी जगत, प्राकृतिक आपदा, कुंभ मेला, महोत्सव, त्यौहार आदि विषयों पर केंद्रित हो सकते हैं। आमतौर पर निम्नलिखित फीचर की श्रेणियां प्रचलन में हैं: घटना प्रधान, विशिष्टता प्रधान, विचित्रता प्रधान, चिंतन प्रधान, घटना प्रधान फीचर। समाचार फीचर को पत्रकारिता की भाषा में घटना प्रधान फीचर कह सकते हैं। हर समाचार के साथ एक घटना घटित होती है, बगैर घटना के समाचार नहीं बनते। समाचारों में घटना और उसके तथ्य होते हैं। कई बार संवाददाता को समाचार के साथ इतनी सारी सूचनाएं और जानकारी मिल जाती हैं कि बाद में उसे फीचर का आकार आसानी से दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए जून 2013 में भारत के उत्तराखंड में जो प्राकृतिक आपदा एवं जल प्लावन हुआ वो आरंभ में एक समाचार था। धीरे धीरे समाचार की परतें खुलने लगी। आबादी के बह जाने, सैकड़ों तीर्थयात्रियों के लापता हो जाने, सड़क पुल एवं संपर्क के साधनों का बर्बाद हो जाना, पीड़ितों को बचाव और राहत मुहैया कराने जैसे कई मानवीय पहलू उजागर हुए। इन तमाम विषयों को लेकर कई कई फीचर बने जो पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हुए हैं। इस तरह के समाचार फीचर ट्रीटमेंट के साथ भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। फीचर लेखक अपनी जागरूक नजरों से पत्र पत्रिकाओं पर ध्यान देकर ऐसे समाचार या घटनाएं खोज लेता है जिनकी गहराई में जाने और पाठकों को अधिक जानकारी देने की जरूरत महसूस करता है। विशिष्टता प्रधान फीचर। समाज में प्रतिदिन कुछ न कुछ ऐसा घटित होता रहता है कि विशिष्टता प्रधान फीचर लिखने के लिए सामग्री उपलब्ध हो जाती है। कई व्यक्ति समाज सेवा के क्षेत्र में अपने उल्लेखनीय योगदान से एकाएक सितारे बन जाते हैं। कोई खिलाड़ी खेल के मैदान में देखते ही देखते इतिहास रच देता है। किसी को राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री या पद्म भूषण से अलंकृत कर दिया जाता है। किसी रिक्शे वाले की ईमानदारी से वो लाइमलाइट में आ जाता है। ये घटनाएं सामाजिक जीवन की ऐसी गतिविधियां हैं जिन पर फीचर लिखकर लोगों के ज्ञान को अपडेट किया जा सकता है। उदाहरण के लिए बॉक्सर मेरी कॉम को लंदन ओलंपिक के पहले कितने लोग जानते थे? अचानक दुनिया भर के कैमरों के फ्लैशलाइट से उनका चेहरा जगमगा गया। जब व्यक्ति आधारित फीचर लिखा जाएगा तो वो व्यक्ति परक फीचर कहलाएगा। और स्थान परक फीचर में ऐतिहासिक या पुरातत्व महत्व की इमारतें शामिल की जाती हैं। पुराने किले, देवालय, राजमहल, पुस्तकालय, उद्यान, झीलें और चिड़ियाघर हो सकते हैं। अतीत की इमारतों या संग्रहालयों को देखने का मतलब होता है इतिहास से साक्षात्कार करना। इस प्रकार के फीचर लेखन में संबंधित का इतिहास, निर्माण, उससे जुड़ी किंवदंतियां और महत्व के बारे में अध्ययन तथा शोध करना जरूरी होता है। वस्तुपरक फीचर लेखन की भी लंबी परंपरा रही है। जैसे कोहिनूर हीरा, जो इस समय ब्रिटिश हुकूमत के पास है, उसे भारत लाने की जब जब कोशिशें की गई, पत्र पत्रिकाओं में कोहिनूर का इतिहास और महत्व दर्शाया गया था। इस जानकारी से जन समर्थन मिलता है और विदेशी सरकार पर दबाव बनता है।
धार की भोजशाला से लंदन गई सरस्वती की प्रतिमा भी इसी श्रेणी में आती है। पिछले कुछ बरसों से महात्मा गांधी की निजी वस्तुओं की नीलामी का सिलसिला जारी है, जैसे उनकी घड़ी, चश्मे, पेन और चप्पल। इनकी नीलामी के समय फीचर के जरिए आम पाठक को अनकही कहानी बताई जा सकती है। विचित्रता प्रधान फीचर। साधारण के बारे में कोई जानना नहीं चाहता। जब व्यक्ति असाधारण कार्य के जरिए असाधारण हैसियत हासिल कर लेता है तो हर कोई उसके बारे में जानने को उत्सुक हो जाता है। यह संसार विविधताओं और विचित्रताओं से भरा पड़ा है। जैसे किसी व्यक्ति को असाधारण स्मरण शक्ति प्राप्त है, किसी का मोटापा विश्व का आकर्षण हो सकता है, कोई इतना लंबा या बौना है कि वो सार्वजनिक तमाशे की वस्तु बन जाता है। इस तरह की विचित्रताओं को अखबार और पत्रिकाएं तेजी से छापना पसंद करती हैं। ऐसे फीचर्स को पाठक दिलचस्पी के साथ पढ़ते हैं। चिंतन प्रधान फीचर। इस प्रकार के फीचर्स को अंग्रेजी में थिंक पीस के नाम से जाना जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक वे जिनमें किसी घटना की गहराई से पड़ताल की गई हो, उसके विश्लेषण के बाद उसका उपसंहार पाठक को चौंकाने वाला हो, उसके बाद पाठक खुद के चिंतन मनन और तर्क शक्ति में उलझ जाता है। दूसरी प्रकार के चिंतन प्रधान फीचर में विशेष प्रसंग अथवा वातावरण के प्रति फीचर लेखक का मंतव्य और उसकी गहरी समझ सामने आती है। ऐसे फीचर में लेखक पाठक के सोच की वेवलेंथ एक हो जाती है। अब यह सवाल उभरता है कि फीचर लेखन के लिए संदर्भ सामग्री कैसे और कहां से प्राप्त की जाए। इसके लिए कुछ सुझाव यहां दिए जा रहे हैं। यदि फीचर समाचार या घटना आधारित है तो लेखक को प्रत्यक्ष जाकर व्यक्ति या घटनास्थल पर सीधे सामग्री संकलित करना चाहिए। ऐतिहासिक, पर्यटन स्थल, डकैती, लूट या हत्या जैसे मामलों में फीचर लेखक को अनेक स्रोत मिल सकेंगे। आंखन देखी पर फीचर जितना जीवंत बन पड़ता है तथा भाषा में जो लालित्य आता है वो अद्भुत है। सीधे संवाद या साक्षात्कार पद्धति भी फीचर लेखन में बहुत सहायक होती है। जैसे चित्रकला प्रदर्शनी देखकर वहां उपस्थित दर्शकों से बात कर और चित्रकार से चर्चा करने के बाद फीचर ऐसा बन पड़ेगा जैसे पाठक पढ़ते समय अपने को प्रदर्शनी स्थल पर उपस्थित होने का अनुभव करेगा। पुस्तकें तथा अखबारों के रविवारीय पृष्ठों में प्रायः ऐसी सामग्री प्रकाशित होती रहती है जो आगे चलकर संदर्भ स्रोत बन जाती है। अनेक पुस्तकालय ऐसी सामग्री का बाकायदा इंडेक्स बनाकर रखते हैं। इनकी मदद से फीचर में परिपूर्णता आ सकती है। साक्षात्कार पद्धति भी फीचर को अतिरिक्त प्रभावी बनाती है। फीचर की विषय वस्तु की मांग के अनुसार विशेष साक्षात्कार, आकस्मिक साक्षात्कार, टेलीफोन पर साक्षात्कार या ईमेल से भी साक्षात्कार किए जा सकते हैं। इससे फीचर में वर्णित सामग्री में संबंधित व्यक्ति के विचार जस के तस दिए जा सकते हैं। श्रेष्ठ फीचर लेखन आमतौर पर लेखक की प्रतिभा, ज्ञान, अध्ययन, भाषा और शैली पर निर्भर होता है। इसके बावजूद कुछ बातें यहां दी जा रही हैं जो सफल फीचर लेखन में मंत्र का काम कर सकती हैं। फीचर लेखक को अपना ज्ञान एवं जानकारी हमेशा अपडेटेड रखना चाहिए। नियमित समाचार पढ़ें और सुबह शाम टीवी पर समाचार सुनने की आदत बनाकर रखें। स्वयं का संदर्भ पुस्तकालय बनाएं। इसके लिए पुस्तकें, पत्रिकाएं, अखबारों की कतरनें संभाल कर रखें। हमेशा श्रेष्ठ पुस्तकें और संदर्भ ग्रंथ का अध्ययन जारी रखें। शब्द भंडार में वृद्धि के लिए शब्दकोश के जरिए नए शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति तथा दूसरी भाषा की शब्दावली को अपने ज्ञान में शामिल करें। अधिक से अधिक लोगों के संपर्क में रहकर अपने अनुभवों में वृद्धि करें। फीचर की प्रस्तुति में जादुई करिश्मा कैसे पैदा किया जाए, इसके लिए अपनी अवलोकन, चिंतन, मनन तथा तर्क शक्ति में वृद्धि के प्रयास करें। हमारा विश्वास है कि ये तमाम बातें श्रेष्ठ फीचर लेखन में
उपयोगी साबित हो सकती हैं।